तो गाइज हम स्प्लेंडर बाइक में क्लच प्लेट लगाने जा रहे थे, तो इसमें एक समस्या ये है कि इसका जो क्लच प्लेट है आप देख सकते हैं, ये स्प्लेंडर बाइक का नहीं है, ये दूसरे किसी बाइक है और मेरे ख्याल से ये बजाज का है। तो ये बजाज का भी आप लगा सकते हैं, जैसे पल्सर हमारा अभी जो निकला है BS6 में 125 या 150 का, तो उसका यह क्लच प्लेट है। तो हमने जहाँ तक खोला तो क्लच प्लेट हमारा गाइज हालांकि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। अगर हम दूसरा इसमें लगाते हैं तो वो चीज़ क्या है, इस तरीके से हमारा क्वालिटी नहीं है, पर बाइक में पिकअप कम है तो उसे हम किस तरीके से बढ़ाएं। तो सेंटर हब जब हमने देखा इसका तो सेंटर हब पूरा गड्ढा हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना यह चीज़ गड्ढा हो गया है। तो इसमें सिर्फ गाइज ये सेंटर देख सकते हैं आप, ये घिस चुका है और इसका हब भी घिस चुका है, तो ये दोनों चीज़ हमारा ख़राब है। और इसी के साथ गाइज जो हमारा क्लच प्लेट है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब हमें गाइज इसमें काम क्या करना है, सिर्फ हम इसका सेंटर हब लगाएंगे और क्लच प्लेट यही लगाएंगे। तो हालांकि इसमें 2-3 महीना हुआ है अभी क्लच प्लेट डलवाने से और इसका पिकअप डाउन हो गया, तो उसी समय जब इन्होंने ये चीज़ डलवाया तो पूरा सेट अगर डाल देता तो बहुत ही बेहतर रहता। तो चलिए गाइज अब हम क्लच प्लेट इसका चेंज नहीं करेंगे और अब हम इसका सिर्फ सेंटर और हब को चेंज करेंगे, जो कि ये हमारे पास सेंटर है आप देख सकते हैं। तो मैं MK लाइट कंपनी का लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये भी चलता है इसका, आप देख सकते हैं कितना पूरा प्लेन है और ये जो है ये हमारा घाट बन गया है इसमें। तो चलिए हम इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो लगाए किस तरीके से गाइज, तो अगर आप चाहते हैं कि पल्सर बाइक का अगर क्लच प्लेट अपने स्प्लेंडर में डलवाने का तो आप डलवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त चलता है। तो ये क्लच प्लेट में यही होता है कि जल्दी हमारा क्लच प्लेट ख़राब नहीं होता है, अगर ख़राब होता है सेंटर हब, और अगर एक बार आप डलवा देते हैं पल्सर बाइक का क्लच प्लेट तो आपका गाइज बहुत दिन चलेगा ये। तो देख सकते हैं इसका जो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस तरीके से हमारा अपाचे में होता है उसी तरीके से सेम इसमें भी है। अब इसे हमें यहाँ लगा देना है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइज इसे हम इंस्टॉल करेंगे और वीडियो पूरा फुल दिखाएंगे किस तरीके से क्लच प्लेट लगाया जाता है। तो हमने गाइज पूरा क्लच प्लेट फिटिंग कर दिया है और गाड़ी को हमने वॉश भी किया है। अब इसके बाद
हम इसे चला के देखेंगे कि हमारा जो पिकअप है वो चीज़ पहले से अच्छा आया या ख़राब आया। तो सिर्फ हमने गाइज इसमें सेंटर और हब को लगाया, क्लच प्लेट हमने नहीं लगवाया। तो कस्टमर का कहना था कि हमने अभी 2-2.5 महीना पहले इसमें क्लच प्लेट डलवाया है और वो भी बजाज कंपनी का जेन्युइन लगवाया है। करीब हमारा जो खर्चा है गाइज करीब 1,000 रुपया क्लच प्लेट का लिया है। तो वही हमने जब खोल के देखा तो इसमें वाकई में ही बजाज का ही क्लच प्लेट था। तो क्लच प्लेट में हालांकि कुछ नहीं हुआ था आपने देखा, और इसका जो सेंटर हब था वो चीज़ ख़राब था, तो सिर्फ हमने वो चीज़ लगाया। तो चलिए गाइज अब हम इसे चला के देखेंगे कि इसमें वाकई में पिकअप क्या है नहीं है। तो यूट्यूब पर देख के ये भाई साहब ने बजाज कंपनी का क्लच प्लेट लगवाया था। तो चलिए गाइज अब हमें इसे बारी आता है चला के देखने का। तो हम कहीं खुले जगह में आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको चला के दिखाएँगे। आ